आज है हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प की सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी की एक ऐसी बाइक जो लोगों की चहेती भी है और साथ ही साथ लोगों का भरोसा इस बाइक पे बहुत ज्यादा है। पिछले कई दिनों से ये बाइक मेरे साथ है, मैंने ढंग से इसको चलाया और काफी चीजें मुझे इस बाइक के बारे में पता चली और आज फाइनली बारी है इस बाइक का रिव्यू करने का और वो सारी चीजें आपको बताने की जो इस बाइक को 125 यानी 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले इसका ये कलर आप देखिए, ये कैनवस ब्लैक कलर बहुत ही प्यारा कलर है। पूरी ही बाइक ब्लैक कलर में है, पूरी ही बाइक आपको एकदम नीट एंड क्लीन मिलती है। किसी तरह का कोई भी स्टिकर या कोई भी ग्राफिक इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसी वजह से ये बाइक एकदम नीट एंड क्लीन है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसके फ्यूल टैंक पे अगर आप देखेंगे तो आपको सुपर स्प्लेंडर की 3D ब्रांडिंग मिल जाती है और जिसकी वजह से इस बाइक के लुक है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं। शुरुआत में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे इसमें जो खास फीचर्स मिलते हैं उनमें आपको अपडेट देखने को मिलेगा जो कि डेफिनेटली एक गेम चेंजर साबित होगा 125 सीसी सेगमेंट में। सबसे पहले तो इसमें आपको एक्सेंस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से आपको कमाल का पिकअप देखने को मिलेगा और हाईवे पे कमाल की स्मूथ राइड आप महसूस करेंगे। अगर फ्यूल इफिशियंसी की बात करें तो वो आपको इस सेगमेंट में बेहतरीन देखने को मिलेगी। और अगली चीज है इसका कंफर्ट जो कि नेक्स्ट लेवल का है। नो डाउट अगर आप इससे लॉन्ग टूर करना चाहें या फिर आप सिटी राइड करना चाहें, हर कंडीशन में ये बाइक आपको बेहतरीन कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। इसकी जो सीट है काफ़ी चौड़ी है, सस्पेंशन इसके काफ़ी कंफर्टेबल है, तो आपको हर राइड में बेहतरीन कंफर्ट मिलेगा इस बाइक से। और अगर हम बात करें इसके गेम चेंजिंग फीचर की तो वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 180 यानी 180 mm का है और ये सीधे सीधे संकेत देता है कि आप इस बाइक से हाईवे राइडिंग करना चाहें या फिर ऑफ रोडिंग करना चाहें, किसी भी कंडीशन में ये बाइक परफेक्ट साबित होगी क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस इंडियन रोड्स के हिसाब से काबिले तारीफ है। इसमें आपको I3S की सुविधा उपलब्ध है, बहुत से लोगों को पता होगा, पहले से नहीं पता तो बता दूं I3S मतलब अगर आपकी बाइक आइडल पोजीशन में खड़ी है तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन ऑफ हो जाएगा, जैसे आप क्लच का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो जाएगा और फ्यूल इफिशियंसी में ये बहुत कारगर साबित होती है, नो डाउट। साथ ही साथ जैसे मॉडर्न फीचर पे आते हैं तो इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। पहले आपको सिर्फ एनालॉग मिलता था लेकिन अब डिजिटल एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज देखने को मिलेगा। आप जो है चलती बाइक पे अपना माइलेज चेक कर पाएंगे कि इस वक्त एग्जैक्ट आपकी बाइक कितना माइलेज आपको दे रही है। साथ ही साथ इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर ये सब आपको मिला है, फ्यूल इंडिकेटर और टाइम वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। तो इस सेगमेंट के हिसाब से जो इसमें आपको मीटर कंसोल मिलता है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इनफ है, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके मीटर कंसोल से पूर्णतया संतुष्ट होंगे। तो अगर हम अगली बात करें तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड USB चार्जर देखने को मिलता है। साइड में देखिए आप, यहाँ पे USB चार्जर आपको मिल जाता है जहाँ से आप अपने फ़ोन को जो है चलती बाइक पे चार्ज कर सकते हैं, तो ये भी एक बढ़िया फीचर इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। साइड स्टैंड लगा होगा तो इंजन ऑन नहीं होगा, काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर मुझे लगता है। और पीछे का जो टायर है वो आपको चौड़ा मिलता है जिसकी वजह से आपकी जो स्टेबल राइड है ना वो इंक्रीज होती है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कैनवस ब्लैक है और बहुत ही प्यारा कलर है, नो डाउट। इसके अलावा आपको डस्की ब्लैक, ग्लेज ब्लैक, हैवी ग्रे, नेक्सस ब्लू एंड कैंडी ब्लेजिंग रेड, ये सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं। मतलब कलर्स की कोई कमी नहीं, आप अपने हिसाब से कोई बेस्ट कलर इसमें चूज कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। चलिए अब थोड़ी स्पेसिफिकेशन में आपको एक एक करके इसके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको 3D वर्ल्ड में क्रोम में आपको हीरो की जो है लोगो देखने को मिल जाता है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्रोम में ही एक बॉर्डर देखने को मिल जाता है हेडलैम्प के जस्ट ऊपर, और मेन जो हेडलैम्प आपको मिलता है इसमें आपको हैलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है। विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो उसको लेके कोई शिकायत नहीं आती है, आपको रात में बेहतरीन उजाला इसके मेन हेडलैम्प से देखने को मिल जाएगा। साइड इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 10 वॉट के अम्बर बल्ब लगे हुए हैं, साइड इंडिकेटर्स हमेशा की तरह आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में आपको बताता हूँ। आते हैं इसके ब्रेक पे, तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन मिलता है। ये डिस्क वेरिएंट है। अगर डिस्क की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 240 यानी कि 240 mm का डिस्क लगा हुआ है। अगर इसकी जगह पर आप ड्रम ब्रेक लेते हैं तो 130 यानी 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं। आगे वाला जो टायर आपको मिलता है इसकी बात करूं तो 80/100 यानी कि 80/100 का मिलता है और ये 18 यानी 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। जो आगे का आपको सस्पेंशन मिलता है ये आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक
शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। सस्पेंशन क्वालिटी इस बाइक की काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा फोकस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पासिंग स्विच आपको मिलता है, उसके नीचे आपको लो बीम हाई बीम स्विच, उसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और उसके नीचे आपको हॉर्न वगैरह मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए आपको आई थ्रेस स्विच और उसके नीचे आपको सेल्फ स्विच मिल जाता है। देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि ये क्रोम में 3D मल्ड आपको जो है सुपर स्प्लेंडर देखने को मिलता है और ये इसके जो साइड प्रोफाइल है ना उसको बहुत इन्हेंस कर देता है, उसके लुक को बहुत इन्हेंस कर देता है। प्रीमियम लगती है बाइक, नो डाउट। अब यहाँ पे हम इंजन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, तो आपको बता दूँ 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 124.7 यानी 124.7 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 10.7 PS की देखने को मिलेगी 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 10.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क को लेके भी आपको शिकायत नहीं करेंगे। ये बाइक नियमित रूप से चलाने के लिए बहुत अच्छी बाइक मानी जाती है और शुरू से ही बहुत से लोग सुपर स्प्लेंडर को पसंद करते हैं। गियर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 5 गियर कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप सोच सकते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट में आपको 5 गियर मिलते हैं, तो 5वें गियर पर आप कमाल का स्मूथ राइड फील करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके सीट पे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट कंपनी प्रोवाइड करती है, और ये बात सही है। अगर आप इसे लंबी दूरी भी तय करना चाहें तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जो पिलियन जो पीछे बैठेंगे उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट इसमें मिलती है। आगे और पीछे दोनों ही सीट, मतलब दोनों लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। पीछे आपको जो है स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है, और पीछे का जो टेल लैंप है ये आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे, आपको अच्छी डिज़ाइन में पीछे का टेल लैंप मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पीछे वाली प्रोफाइल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है जिसकी साइज़ 130 यानी 130 mm की है, और मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ कि IBS इसमें प्रॉपर वर्क करता है जिससे आप दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और पीछे का जो टायर मिलता है ये आपको 90x90 यानी कि 90x90 का मिलता है, और ये 18 यानी 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। पीछे का जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सस्पेंशन क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, उसको लेके आप कोई डाउट मत करिएगा। तो लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको जो है कम्प्लीटली बता दिए हैं। किक वगैरह आप देख लीजिए, किक की सुविधा उपलब्ध है, तो अगर आपके सेल्फ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो नहीं आती है अगर आप मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बाय चांस अगर आ गई प्रॉब्लम तो आप किक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी बात इसके डायमेंशन की मैं कर लेता हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है, ठीक है, आपको 12 लीटर तक इसमें आप फ्यूल वगैरह भरवा सकते हैं। इस बाइक की जो लंबाई है, लेंथ है वो 2042 mm है, हाइट इसकी 1102 mm है, व्हील बेस इसका 1273 mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 यानी 180 mm का है, और इस बाइक का जो वेट है वो 123 kg यानी 123 kg की ये बाइक है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो स्क्रीन पे आपको सारी प्राइस दिख रही होगी, इसकी जितने भी वेरिएंट्स हैं सबकी प्राइस मैंने मेंशन कर रखी है, आप आराम से देख लीजिए उसको। जब तक नई प्राइस लिस्ट नहीं आ जाती तब तक यही प्राइस में आपको ये कंप्लीट बाइक देखने को मिल जाएगी, और ये सारे के सारे एक्सोरूम प्राइस हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका टेस्ट राइड ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है और कितना बेहतरीन फील होता है इसको चलाने में। इसके बाद हम इसके स्पेसिफिकेशन और इसके जो प्राइस वगैरह हैं इन सब पर हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों हमारी बाइक चल चुकी है और काफ़ी अच्छी रोड है, काफ़ी प्यारा मौसम है, और इस बाइक को चलाने में भी उतना ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 125 सीसी बाइक में अगर मैं पावर और टॉर्क वगैरह की बात करूँ, इनिशियल पिकअप की बात करूँ, पहले इम्प्रेशन की बात करूँ, तो उसमें ये बाइक कहीं से भी पीछे नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ऐसा लैक नहीं हो रहा है। अगर आपको मैं बताऊँ, पीछे हमारे साथ पिलियन भी हैं, पीछे हमारे दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कैमरा पकड़ रखा है, तो इसको चलाने में मतलब जो इनिशियल पिकअप आ रहा है ये देखिए काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, दो लोगों के साथ ये बाइक को मैं चला रहा हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि 125 सीसी सेगमेंट में दो लोगों के साथ इसका इनिशियल पिकअप काफी इंप्रेसिव है, और इसके बारे में जो मैं आपको बताऊं कि चलाने में ये बाइक बहुत स्मूथ है,
इंजन काफी रिफाइंड है, नो डाउट। अब जो इसके कमाल की फीचर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एक बार और आपको याद दिला दूं, इसमें आपको एक्सेंस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है जो कि कमाल है। साथ ही साथ इसमें आपको मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है, कमाल का कंफर्ट मिलता है। आपकी हाइट कितनी भी हो, आपके लिए ये बाइक काफी सुटेबल है और काफी कंफर्ट राइड आप फील करेंगे। साथ ही साथ 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसको इंडिकेट करता है कि आप किसी भी रोड के लिए ये बाइक परफेक्ट है। और इसमें सेफ्टी फीचर भी आपको कमाल के मिलते हैं जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और इसमें आपको डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको वो सारी सूचनाएं मिलती हैं जो इस सेगमेंट में आपके लिए जरूरी होती हैं। तो अगर हम अपने फाइनल वर्डिक्ट में आते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प की सुपर स्प्लेंडर आपको एक सुपर पावर, सुपर माइलेज एंड सुपर कंफर्ट प्रोवाइड करती है। डेली यूज के लिए, डेली जरूरत के लिए ये बाइक आपके लिए एक बेहतरीन बाइक साबित कर सकती है। आप अपने पास के शोरूम पर जाकर विजिट करिए और इस बाइक को चेकआउट करिए। ये बाइक आपकी फेवरेट लिस्ट में सबसे फेवरेट बन सकती है।